कराची से रिपोर्ट शामिल करते हैं जुल्फिकार सोलंकी की। फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी व साबिक यूसी चेयरमैन यूसी 25 वसीमुद्दीन मेयो को इतला मौसूल हुई के कोरंकी नंबर 125 में कायम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मेन पीने के पानी के पंपिंग स्टेशन जहां से कोरंगी के तकरीबन तमाम इलाकों में पीने के पानी की तरसील होती है, वहां के इलेक्ट्रिक सप्लाई के मेन ब्रेकर और इलेक्ट्रिक वायर केबल में आग लगने के बायस पानी तरसील मुअत्तल हो गई है, जिस पर वसीमुद्दीन मेयो ने फौरी तौर पर हक परस्त रुकन सूबाई असेंबली सिंध हल्का 96 गुलाम सीलानी से राबता किया और के इलेक्ट्रिक के मुतलिका हुकाम से राबता करके इस मसले के हल के लिए गुजारिश की ताकि इलाके में पानी की सप्लाई बहाल हो, जिस पर गुलाम सीलानी ने फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक के मैनेजर अमा तैमूरी, डिप्टी जनरल मैनेजर आसिफ इकबाल, फोकल पर्सन कोरंगी कल्स्टर नवीद महफूज से राबता किया और इस मसले को फौरी हल करने की हिदायत दी, जिस पर के इलेक्ट्रिक के मुतलिका हुकाम ने फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए अमले को भेजा, जिसने रात के तकरीबन 3 बजे तक इस मसले का हल करते हुए ब्रेकर और इलेक्ट्रिक लेट्स तब्दील कर दी। उस मौके पर वसीमुद्दीन मेयो वहां मौजूद थे, जिस पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हुकाम और इलाके अवाम ने मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और के इलेक्ट्रिक का शुक्रिया अदा किया। रखानी रही, इस टाइम हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5.5 पे वाटर पंप पे। यहाँ शाम 6 बजे से ब्रेकर खराब हो गया था, 7 बजे हमें पता चला तो मैंने फौरी तौर पे एमपीए गुलाम जिलानी भाई को बताया और उनकी हिदायत पे उन्होंने फौरन एसी के अफसरानों से रब्ता करा और अलहमदुल्ला ये ब्रेकर आ गया है और ये लग रहा है क्योंकि ये वाटर पम्प है 5.5 का, ये वाटर पम्प की पीएमटी है। तीनों फेज बंद हो गए थे ब्रेकर की वजह से, तो आवाम भी हमारे ऑफिस पे आई थी और यहाँ मेरे को भी बहुत फोन करे, जिलानी भाई को फोन करे, टाउन इंचार्ज तारिक अंसारी भाई को फोन करे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में ये ब्रेकर जो है जिलानी